2015 चेन्नई में जब में 2015 में बाढ़ आई थी तो मैंने बहुत सारे जानवरों को बड़ी ही बुरी हालत में देखा और मुझे बड़ा बेबस सा महसूस हुआ। तभी मैंने सोचा मुझे इन बेसहारा जानवरों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा और तभी से मैंने इन्हें रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। 21 साल के साई विघ्नेश तिरुवल्लूर में एक एनिमल रेस्क्यूअर है जिन्होंने 15 साल की छोटी सी उम्र से जानवरों को बचाना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने एक सैंक्चुरी भी शुरू की है जिसे ऑल माइटी एनिमल केयर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां 100 से भी ज्यादा जानवर रह रहे हैं। लोग डॉग्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं इसलिए उन्हें उनसे ज्यादा लगाव महसूस होता है, लेकिन अन्य जानवरों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता तो इतना लगाव भी नहीं महसूस होता है। इसीलिए मैंने ये सैंक्चुरी शुरू करी जिससे लोगों को गाय, बैल, भेड़, बकरी से इंटरेक्ट करने का मौका मिले और अब लोग इन जानवरों के साथ भी संवेदनशील हो रहे हैं। एक IPS ऑफिसर जो कि नॉन वेजिटेरियन थे यहाँ जानवरों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वीगन हो गए। अपने इसी काम और एक्टिविज्म से साई विघ्नेश ने अपने माता पिता और कई दोस्तों को वीगन बनने में मदद की है, लेकिन यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। दिसंबर 2020 में मैं एक भैंसों के बूचड़खाने में गया और वहाँ का दृश्य देख के मैं हैरान हो गया। वहाँ पे मैंने देखा कि एक कसाई ने गर्भवती भैंस का पेट काट रखा था और उसमें जो बच्चा था वो तड़प रहा था और ये दृश्य बहुत ही भयानक था। और जिन एनिमल अब्यूजर्स पे मैंने केस दर्ज किए हैं उन्होंने मुझे बहुत बार धमकाया भी है और जान लेने की भी कोशिश की है। इन घटनाओं के बावजूद भी साई विघ्नेश अपने इसी काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो एक आइसोलेशन फैसिलिटी खोलना चाहते हैं जहां वो संक्रमित बीमारियों से जूझते हुए जानवरों को अलग से रख सके, लेकिन इस काम में उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक वेब डेवलपर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ और मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वो सारे जानवरों की देखभाल में ही खर्च होते हैं और ये जानवरों का खाना, उनकी दवाई और वहाँ के कर्मचारियों की सैलरी के लिए काफ़ी नहीं है और कोविड की वजह से डोनर्स की संख्या भी कम हो गई है। मेरा उन सभी लोगों से ये निवेदन है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये सैंक्चुरी चलने के लिए आप कोई भी रूप में मदद कर सकते हैं। आप कोई भी प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जैसे डोनेशन या फिर इस वीडियो को शेयर करना जिससे हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे।